स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की, जिसमें कि आज हमने 500 के नीचे एंट्री ली है। IGL आज अपने फिर से सपोर्ट पर था और हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें अपनी एंट्री क्यों बनाई है। आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम शेयर मार्केट ट्रेडिंग कॉल है, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कि हम लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने पर आपके साथ शेयर करते हैं। और जितने भी हमारे एक्टिव कॉल्स हैं वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं IGL के चार्ट पर और देखते हैं। ये IGL का चार्ट ने ओपन कर लिया है, तो यहाँ आप देखें कि मैंने यहाँ कुछ ट्रेंड लाइन और कुछ सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये सपोर्ट लाइन जो है ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बार बार इस लाइन पे से रेजिस्टेंस लग रहा था, बाद में इस सपोर्ट लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया और ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। यहाँ देखेंगे यहाँ जब भी ये प्राइस आया है एक अप मूव दिया है, ये प्राइस आया है इसे ब्रेक करने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं हुआ, फिर अप मूव गया वापस से। आप यहाँ देखें कितनी बार इस रेंज में ये प्राइस आया है, अप मूव ले गया है और अभी एक बार फिर से ये प्राइस इसी रेंज में आया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक मैंने नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसका अगर आप हिस्ट्री देखेंगे और पीछे चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, जो कि 2019 का सितंबर का मंथ है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। आप यहाँ देखें कि इस पर कितनी बार ये सपोर्ट ले चुका है। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ ये लाइन बाद में रेजिस्टेंस बन गया था, यहाँ आप देखिए कई बार इसे रेजिस्टेंस भी लगा है। वापस में जब फिर से इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया और ये इतना अच्छा सपोर्ट था कि आप इसमें देख सकते हैं कि अप मूव आई और ये लगभग ऑल टाइम हाई भी इसने स्टॉक ने बनाया था। तो अब जब आप देखेंगे कि ये वापस से इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, अगर इस वाले सपोर्ट लाइन को ब्रेक भी किया तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और यहाँ से प्राइस अप मूव ले गया। वापस अगर आप देखेंगे तो जैसे इस प्राइस के नीचे प्राइस आया, वापस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगा है इस पर। तो यही सब देखते हुए मैंने आज जो टेलीग्राम चैनल पे एंट्री डाली थी वो इसलिए डाली थी, जब मैंने ये एंट्री डाली थी तब ये ऑलरेडी ये आई थिंक 504 या 505 पे था, जबकि मैंने इसकी एंट्री 500 के ऊपर अपने ग्रुप में डाली थी। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि 500 के नीचे जैसे ही ये स्टॉक आया है इसमें बायर्स हावी हो जा रहे हैं। आज फिर से वही हुआ, हमने 500 का इसमें एंट्री रखा था और जैसे ही ये प्राइस 499 पे आया बायर्स हावी हुए और आप देखें कि एक अच्छा खासा अप मूव ले गया था। मैं आपको इसके शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, आपको देखिए क्लियर होगा। देखिए जैसे ही ये स्टॉक यहाँ 500 के नीचे आया देखिए कितनी अच्छी बाइंग आई इसमें और ये एक बार को 505 के ऊपर भी चला गया था। तो यही इसी बेस पे मैंने ये एंट्री डाली थी। अब यहाँ देखेंगे कि इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी पास में होगा। फर्स्ट तो इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, उसके नीचे इसका जो सपोर्ट है रेगुलर सपोर्ट वो भी है। तो स्टॉप लॉस हम इसमें 494 के नीचे रखेंगे, जो कि मैंने 494 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है। और अगर इसके टारगेट की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके अगर यहाँ से अप मूव लेता है तो वापस इसे इस पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि 520 के लेवल के नीचे लगना है, इसलिए इसमें मैंने फर्स्ट टारगेट इसी लेवल का दिया हुआ है। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर एक इसमें हम अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये ट्रेंड लाइन टूट भी सकता है? हाँ बिल्कुल टूट सकता है, ये ट्रेंड लाइन टूट भी सकता है और स्टॉक नीचे भी जा सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। और ये हमेशा हर स्टॉक में मैं प्रीफर करता हूँ कि स्टॉप लॉस डालूँ और यहाँ लगभग दो दो सपोर्ट है इसलिए मैंने स्टॉप लॉस डाला हुआ है। हालांकि अगर स्टॉक और नीचे जाता है तो हम इसमें बाइंग देख सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो मार्केट इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम चल रहा है तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा। तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और यहाँ से अप मूव हमें देखने को मिले। और अगर ये ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें एक अच्छा खासा अप मूव आते हुए देख सकते हैं, जो कि आपको 540 का लेवल तक भी इसमें बहुत। तो IGL का ट्रेड हम लोग कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं। एंट्री हमें इसमें 500 या उसके नीचे बनानी है, स्टॉप लॉस 494 का रखना है और टारगेट
इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट 514 का रहेगा, और अगर ये रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाता है तो फिर 530 का। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप इसमें 540 और 550 का लेवल भी आते हुए देख सकते हैं। आप भी लाइव मार्केट में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम शेयर मार्केट ट्रेडिंग कॉल BCT है, आप इसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने पर हम यहीं शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच टू स्टेइंग विद अस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।